बाकी मेरा एडवोकेट सर इस मामले की जान छानबीन कर रहे हैं। कितने लोग शामिल थे इसमें लगभग? सर और हैं 3-4 फ्रेंड सर्कल है, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। आपको किस तरह से काम इसमें दिया गया था? सर मेरा कुछ काम नहीं था इसमें, मेरा सिर्फ गारमेंट्स और शूज़ का काम है, मुझे फंसाया गया था। 12 बंकी पुलिस में जो साइबर सेल के हमारे प्रभारी अनूप यादव हैं, इन्होंने साइबर क्राइम को अनर्थ करने का एक अभूतपूर्व कार्य किया है। अभी पिछले दिनों ये एक जगह कंप्लेंट थाना में कोतवाली में दर्ज हुआ था देवा में कि तारिक नाम का एक लड़का जो जहांगीराबाद का रहने वाला है और इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, उसके ऑनलाइन उससे ठगी हो गई 38,000 रुपये की। और उसने बार बार कंपनी को कॉल किया, कंपनी ने रिप्लाई नहीं दिया, तो उसने कंप्लेंट किया, उस पर इसमें साइबर सेल ने जाँच किया और जांच करने के पास पाया कि कंपनी फर्जी है, तो मुकदमा तुरंत कायम किया थाना कोतवाली देवा में। मुकदमा कायम किया, फिर साइबर सेल ने काम करके उसमें जो लोग साइबर ठगी कर रहे थे उनका नाम और पता पूरा निकाला, डोमेन पर जाके पूरा वर्क किया था, नाम पता पूरा निकाल कर पुलिस ने यहाँ पे वारंट लिया उनका MW, और ये जाकर खुद गए टीम के साथ और जाकर के वहाँ से दिल्ली से उनको अरेस्ट किया और उनको ट्रांजिट डिमांड बना करके यहाँ पर ले आए। पंकज चोपड़ा और उनकी टीम के आदमी फंड टू शॉप फॉर यू करके एक कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी खोल रखे थे और उसमें लोगों को जो भी उनके साइट को लॉगिन करता था, लॉगिन करते ही उसका नंबर आता था, नंबर पे उस कंपनी से कॉल आती थी कि आपका नंबर सेलेक्ट हो गया है, आपको क्रेटा मिलेगा या और जो ऑफर देते थे उसमें इनको ठगी हो जाती थी। उसमें उसके बदले में कुछ पैसे जमा करते थे, पैसे जब जमा करते थे तो पैसे तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाया करते थे। उनको गाड़ी मिली नहीं, उनको रिप्लाई कुछ नहीं मिला, फिर उन्होंने कंप्लेंट करना शुरू किया। जब इन्होंने जांच किया तो ठगी मालूम चल गई, मुकदमा कायम करके उनको पकड़ के ले आए। यहाँ पे अभी आपने देखा पंकज चोपड़ा नाम के आदमी हैं, जिस एड्रेस से ये ठगी कर रहे थे उस एड्रेस पे इस समय जो है कपड़े की दुकान खुल गई है। कंपनी रजिस्टर्ड कराते थे ये, लेकिन फर्जी काम करने के लिए इनके 3 खाते सीज हो गए हैं। इसमें और भी पुलिस कार्रवाई कर रही है।